बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का दलिया या बाजरे का हलीम कह दीजिए। कितना टेस्टी है, कितना सुंदर है देखने में। मन कर रहा है मोबाइल से निकल के बाहर आ जाए और अभी खा लूं। आहा, जो देखने में इतना खूबसूरत है उसका टेस्ट क्या होगा। ये बाजरे की खिचड़ी है। आहा, लगा दिया इसके ऊपर तड़का, क्या खूब रंगत है। हल्का सा हरा धनिया बेहतरीन खुशबू के लिए। काश इसकी खुशबू आप तक पहुंचती। चलिए अब सीखते हैं ये बाजरे का दलिया या बाजरे की खिचड़ी कैसे बनाई जाएगी। नॉन वेज भी बन सकती है और वेजिटेरियन भी बन सकती है। मेन इंग्रेडिएंट्स बाजरा, ये छिलका उतरा हुआ बाजरा है। छिलका कैसे उतारते हैं बाजरे का, इसकी एक अलग वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। उड़द की दाल, छिलके वाली उड़द की दाल, काली वाली उड़द की दाल, और साथ में आपको लेनी है चने की दाल, चने की धुली हुई दाल। ये उड़द की दाल, चने की दाल, आधा किलो बाजरा के साथ 100 ग्राम चने की दाल, 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल। आधा किलो बाजरा के साथ में 100 ग्राम दालें और 50 ग्राम चावल। लाल मिर्च है और ये हल्दी है और ये पिसा हुआ धनिया है। मेन सारे वही नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये गरम मसाला हो गया और ये आपका हो गया नमक, सेंधा नमक, अगर आप यूज़ कर सकें सेंधा नमक यूज़ करें, अदरवाइज कोई भी नमक चलेगा एज पर योर टेस्ट। और अब थोड़ा सा चाहिए इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट। और नॉन वेज अगर आपको बनानी है खिचड़ी तो फिर भुना हुआ गोश्त, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, एकदम भुना हुआ गोश्त, भुना हुआ कीमा भी हो सकता है। बाजरा, उड़द की छिलके वाली दाल और चने की दाल और थोड़े से चावल। आधा किलो बाजरा, 100 ग्राम, 100 100 ग्राम दालें, 50 ग्राम चावल, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ इंग्रेडिएंट्स और हैं जो बाद में सामने आ जाएंगे आपके। चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। नॉन वेज के लिए भुना हुआ गोश्त भी आपको लेना पड़ेगा या भुना हुआ कीमा। ये सारे बुके हो गया इंग्रेडिएंट्स का। सीखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आपको बाजरा, दालें और चावल मिलाकर भिगोना होगा कम से कम 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के लिए इन्हें भिगो दीजिए। 2 घंटे में भी काम चल सकता है अगर मौसम गर्म है तो। अच्छे सारे पानी में इसे भिगोइए, पानी इसके ऊपर रहना चाहिए, काफ़ी सारा ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि ये पानी सोख कर काफ़ी फूल जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में आपने कुकिंग ऑयल लेना है। ये है हमारा पीली सरसों का तेल, खुद का अपना निकलवाया हुआ, प्यारी प्यारी खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू। इसे गर्म करना है और गर्म करने के बाद इसमें आपने डालना है एक एक करके मसाले। थोड़ा सा जीरा डाला है सबसे पहले, ये जीरा हमने नहीं दिखाया था। तेज पत्ता और लौंग, ये मोटा मसाला हो गया, खड़ा मसाला, जीरा, तेज पत्ता, लौंग और कुछ इसमें इलायची भी डालनी है। और छोटी इलायची को तोड़कर डालना है, उसे तोड़ लीजिए। धीरे 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 ये भुनेंगे, 1 मिनट 2 मिनट। बड़ी ये डाली है साबुत काली मिर्च, ये सारा खड़ा मसाला। और अब लहसुन अदरक का पेस्ट। इस टाइम गैस की लौ बहुत कम है, हल्की है। एक बार घी गरम करने के बाद, तेल गरम करने के बाद फिर उसे लौ को कम कर देना है। धीरे धीरे मसाला भुनता रहेगा, धीरे धीरे। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं ताकि मसाले को सपोर्ट मिल जाए भुनने के लिए, आपके खड़ा मसाला जलेगा नहीं। थोड़ा सा पानी डाल दें और 4 5 मिनट तक इसे भूने। ये डाला है पिसा हुआ धनिया और ये हल्दी और ये थोड़ी और हल्दी। ये हम आधा किलो बाजरा और 250 ग्राम दालें और चावल बना रहे हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट जो मसाले हैं, हम कभी भी इनकी रेशियो नहीं बताते आपको, इनकी मिकदार नहीं बताते। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं। तेज मिर्च चाहिए आपको ज़रा ज़्यादा डाल दीजिए, हल्की मिर्च चाहिए थोड़ा कम डाल लीजिए। और कोई भी डिश दोस्तों पहली बार बनाने में परफेक्ट नहीं बनती। हम ये आपके सामने बना रहे हैं, कैमरे के सामने बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले 2 बार 3 बार 4 बार ये डिश बनाई है
तब कहीं जा करके फाइनली ऐसी डिश बनी जो आपके सामने लाई जा सके। इसलिए ये मिर्च मसाले वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। पहली बार में थोड़ा सा हो सकता है मिर्च तेज हो जाए, थोड़ा कुछ कमी रह जाए, अगली बार में वो कमी और दूर हो जाएगी। कोई परफेक्ट रेशियो नहीं होती इनकी, सबके अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने रेशियो बन जाते हैं। सारे मसाले को चलाते रहना साथ साथ, गैस की आंच इस टाइम तेज है, और देखिए धीरे धीरे ये मसाला बिल्कुल खिंच गया है। इस मसाले ने घी अलग छोड़ दिया है, आप साफ देख रहे हैं मसाला बिल्कुल गाढ़ा होकर अलग हो गया है, फट सा गया है, जैसे दूध फटने पर दूध और उसका पानी अलग हो जाता है, ऐसे यहाँ ये ऑयल बिल्कुल अलग है। अब यहाँ हमने थोड़ा सा पानी इसमें डालना है, थोड़ा पानी डालिए, और अब इसके साथ आपको सारे के सारे डाल देने हैं जो भीगे हुए हमारी दालें और चावल और बाजरा है। इसे डालने से पहले एक बार थोड़ा सा हाथों से हल्का सा मसल लीजिए, रब कर लीजिए, ताकि दाल का जो काले वाला छिलका है वो उतर जाए। पूरी तरह खत्म भी नहीं करना है छिलके को, और पूरी तरह छोड़ना भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाए, अदरवाइज ये तो काला काला थोड़ा सा कलर को डार्क कर देता है। हल्का फुल्का वो कुछ उतर जाए, कुछ रह जाए, चलेगा। ये देखिए सारी दालें एकदम चमक रही हैं, बाजरा भी एकदम चमकदार है, मोटा मोटा बाजरा आप मार्केट से लेकर आइए, अच्छी क्वालिटी का बाजरा होना चाहिए। और इसे कूटने में और छिलका उतारने में भी ध्यान रहे कि बाजरा टूटे ना, अगर बाजरा टूट गया, बाजरे के दाने टूट गए, तो खिचड़ी का टेक्सचर खराब हो जाता है। टेस्ट तो रहेगा लेकिन वो देखने में उतनी खूबसूरत नहीं लगती है। इन सारी चीज़ों को आपने कुकर में डाल देना है, पानी ऑलरेडी कुकर में आपने ले ही लिया था, काफ़ी सारा पानी इसमें रखना, क्योंकि ये सारे ही इंग्रेडिएंट पानी सोखने वाले हैं। बाजरा भी खूब सारा पानी सोखता है, पकने के बाद गलने के बाद ये 2 गुना 3 गुना 2.5 गुना तक हो जाता है, इसलिए काफ़ी सारा पानी इसमें शुरू में ही रखना पड़ेगा। थोड़ा सा और अभी पानी डालिए, पानी काफ़ी ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए आप देख रहे हैं पूरा पानी पानी सा लग रहा है, नीचे बैठ गए सारे दालें और चावल और बाजरा। अब इसे हमेशा की तरह एक उबाल आने तक इसे तेज आंच पर चलाते हुए खुले में ही इसे पकाते रहना है। ये देखिए उबाल आने लगा, 2-3 मिनट के अंदर अंदर उबाल आ जाता है तेज आंच पर जब आप करेंगे। चलाइए, अच्छी तरह से चलाइए, पानी काफी सारा होना चाहिए, जलने के भी चांस रहते हैं कम पानी में। और अब प्रेशर कुकर बंद कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, और अब इसे सीटी आने तक पकना है ऐसे ही तेज आंच पर। ये देखिए प्रेशर आ गया है, और जब ये प्रेशर आ गया, सीटी आने वाली है या सीटी आ गई है, तो अब आपको गैस की लौ बिल्कुल कम कर देनी है, बिल्कुल मिनिमम कर देनी जो भी आपके गैस में हो सकता है, और अब ये धीरे धीरे पकता चला जाएगा। गैस की लौ इतनी कम रखनी है कि पकने के ड्यूरेशन में इस पे सीटी ना आए, बस प्रेशर बना रहे, सीटी आ गई तो इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। और इसको पकाना है आपने करीब करीब 25 मिनट से 30 मिनट तक, डिपेंड करता है कि बाजरा कितनी देर भीगा हुआ है, ओवरनाइट भीगा हुआ है तो 20-25 मिनट में ये गल जाता है। देखिए अब ये बाजरा और दालें सब पूरी तरह से गल चुकी हैं, इन्हें बहुत अच्छे से बहुत आराम आराम से इन्हें चला देना, मिला देना, जो ऊपर का पानी था वो भी सब इसके लिक्विड इसी के साथ मिल जाएगा। अभी भी कंसिस्टेंसी इसकी थिक है, अभी इसको थोड़ा सा और हमें थिन करना पड़ेगा, अभी थिक है ये, अभी वो खिचड़ी वाला टेक्सचर नहीं है इसका। थोड़ा सा पानी अभी और डालेंगे, बहुत अच्छी तरह प्रॉपरली इसे मिला देना है, ताकि सारे मसाले सब कुछ एक साथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिल जाए, कहीं भी कोई चीज़ ज़्यादा ना रहे। अब ये तैयार है, और वेजिटेरियन खिचड़ी यहाँ तक तैयार हो गई है, नॉन वेज
खिचड़ी बनाने के लिए इसमें अब आपको भुना हुआ गोश्त मिला देना है। वेज खिचड़ी यहाँ तक तैयार हो चुकी थी, इसमें बिल्कुल आप गोश्त या कीमा ना मिलाएं और सब कुछ तैयार है बिल्कुल परफेक्टली। नॉन वेज बनाने के लिए इसके साथ आप ये भुना हुआ गोश्त मिला दीजिए। गोश्त बिल्कुल पूरी तरह से गला हुआ होना चाहिए, एकदम रेशा रेशा तार तार, कीमा भी चलेगा बिल्कुल गला हुआ, टाइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये सारा का सारा मिलाने के बाद एक बार फिर से इसे चला देना है ताकि सब कुछ यूनिफॉर्मली मिल जाए, मिक्सअप हो जाए, बिल्कुल एक जान हो जाए, अलग अलग ना दिखाई दे कुछ भी। ये सब मिल चुका है, अभी भी कंसिस्टेंसी की जरूरत से ज्यादा ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देना है। ये देखिए अब इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया हो गई है। अगर ये इससे ज्यादा ठीक रहा तो फिर इसमें लगाया हुआ तड़का ऊपर नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाएगा। लास्ट लास्ट बिल्कुल काम रह गया इसमें, प्याज का तड़का लगा देना। ढेर सारा ऑयल लीजिए आप और उसमें प्याजें बारीक कतर कर कद्दूकस की हुई प्याजों को धीरे धीरे, प्याज को तेज आंच पर ही तलना है, हल्की आंच पर प्याजें नहीं तली जाती, तेज आंच पर लगातार इन्हें चलाते हुए तलना है। प्याजों को जलने भी नहीं देना है और प्याजें कच्ची भी ना रह जाए। धीरे धीरे इसे 10-15 मिनट में, 10 मिनट में धीरे धीरे आंच पर इन्हें प्याजों को तलते रहना है। बारीक बारीक कतरी हुई प्याजें हैं, बिल्कुल बारीक कसी हुई प्याज है, ये मोटी कसी हुई नहीं है बिल्कुल भी। ढेर सारा तड़का इसमें काम करता है। जाड़ों की जितनी भी डिशेज हैं उनमें खूब खूब बढ़िया तरीके से तड़के वड़के लगाया करते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती नहीं कोई जाड़े में। ये देखिए अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हैं, हल्की हल्की सुनहरी हो गई हैं। और अब इसे गरम गरम में ही, गरम गरम में ही आपको छुन छुन कर देना है, डाल देना है पूरे अपने प्रेशर कुकर में। ये देखिए उबाल उड़ जाएगा कुछ मिनट के लिए, छुन छुन होगी और ये छुन छुन ही जो हो रही है तेज गर्म घी से, ये एक बहुत बढ़िया टेस्ट ला देता है आपकी खिचड़ी में। अब इसको ज्यादा देर पकाना नहीं है, बहुत ज्यादा विग्रसली, बहुत ज्यादा चलाना भी नहीं है, तड़का इसका ऊपर ही रह जाना चाहिए ताकि सर्व करते समय हमें ऊपर से तड़का लगाने में, तड़का देने में आसानी रहे। ये देखिए अब आपका ये पूरी खिचड़ी बिल्कुल एकदम सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक बार फिर से देखते हैं ये सर्व किया, ये क्या कंसिस्टेंसी है, क्या खूबसूरत है, देखने में बड़ी प्यारी लगती है ये, और टेस्ट तो बिल्कुल लाजवाब है। आप इसे बनाइए और अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को खिलाइए, याद करेंगे आपके लिए, और अगले जाड़े का वेट करेंगे, अगले जाड़े का इंतजार करेंगे, कब जाड़े आए, कब आप उन्हें ये बाजरे की खिचड़ी बनाकर खिलाएं। ये लगा दिया तड़का इसके ऊपर, और इसे खूबसूरत बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए आप इसके ऊपर मक्खन का तड़का लगा सकते हैं। शुक्रिया।